आप जो चाहती हैं वो मैं नहीं कर सकता। मुनावर ने मनारा के मुंह पे कुछ ऐसी बातें कही जिससे एक्ट्रेस नाराज होते हुए दिखाई दी और बोली, तुम्हारी लाइफ की यही सच्चाई है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ श्वेता कनौजिया और आप देख रहे हो मुझे बॉलीवुड हेल्पलाइन पे। एक बार फिर बिग बॉस 70 के नए एपिसोड नए प्रोमो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। बताते हैं क्या कुछ नए प्रोमो में हमें पता चला या दिखाई दिया। जी हाँ दोस्तों, जहाँ बीते रात बीते एपिसोड में मनारा और मुनावर के बीच में हमें दूरियां बढ़ती हुई दिखाई दी, वहीं एक बार फिर कैप्टनसी टास्क की वजह से इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा दूरियां आ सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें बिग बॉस ने एक बार फिर घर के सदस्यों के सामने कैप्टनसी टास्क रखा है जिसके संचालक होंगे ईशा और मुनावर, यानी कि वो दोनों कैप्टन बन चुके हैं। अब उन्हें कैप्टन बनने के लिए दावेदारी नहीं मिल सकती जिसके कारण वो दोनों संचालक बनेंगे। बट आपको बता दें कैप्टनसी टास्क के लिए बिग बॉस का हाउस एक क्लब एरिया में कन्वर्टेड हो गया। जी हाँ दोस्तों, जहाँ ओरा का लाइव परफॉर्मेंस होगा, सॉन्ग प्ले होंगे जिसके ऑडियंस होंगे घर के सारे सदस्य, वहीं टेबल पे जहाँ संचालक खड़े होंगे। समय समय पे उन्हें एक टास्क भी इसी दौरान दिया जाएगा जो होगा कैप्टनसी टास्क। इस टास्क के रूल हैं कि आप जिस सदस्य को नहीं चाहते हो कि इस हफ्ते वो कैप्टन बने, उसे कैप्टनसी से बाहर कर देंगे, जिसके लिए ओरा के लाइव परफॉर्मेंस में एक बजर बजेगी जिसे सुनते हुए आप सबसे पहले जो उस टेबल पे पहुंचेंगे जहां ईशा और मुनावर हैं संचालक के रूप में, उनका डिसीजन होगा कि वो उस बंदे को राइट्स दें उस बंदे को निकालने के लिए जिसे वो कैप्टन नहीं बनते देखना चाहते हैं। जहाँ पहले सामर्थ आते हैं और वो अभिषेक को निकालते हुए दिखाई दिए और बॉटल उनके सिर पे इतनी तेजी से मारी है कि अभिषेक ने बिग बॉस से रिक्वेस्ट करते हुए दिखाई दिए कि क्या मैं इसे हाथ लगा सकता हूँ, एक चाटा मार सकता हूँ। बट वही सामर्थ का कहना था, मैंने गेम जस्ट प्ले किया है, आपको तेज लगा या धीरे से लगा मैं वो नहीं जान सकता, बट मैंने अपना गेम ही प्ले किया है। आगे बता दें आपको, जहां विक्की भैया नील भट्ट को गेम से बाहर करते हुए नजर आते हैं, वहीं नील भट्ट भी विक्की भैया को गेम से बाहर कर देते हैं। वहीं मुनावर की बात करें तो मुनावर काफी तेज आवाज में चिल्लाते हैं अभिषेक को कि मनारा 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 को गेम से बाहर करो, जिसके कारण अभिषेक ने मनारा को टारगेट करते हुए कैप्टनसी टास्क के रेस से बाहर कर देते हैं। बात हुई कैप्टन बनने की, तो अब जो कैप्टन बनते हैं वो है ओरा। जी हाँ दोस्तों, इस एपिसोड में ये कंफर्म हो जाएगा कि इस हफ्ते के कैप्टन बनते हैं ओरा। मुनावर और मनारा के बीच की फाइट, जी हाँ दोस्तों, जहाँ मुनावर लेटे होते हैं गार्डन एरिया में, वहीं मनारा पहुँचती हैं और कहती हैं, जब तुम्हें पहली बार कैप्टन बनना था, तुम्हें राइट्स लेने थे, अधिकार लेने थे, तो तुम कितने बेचैन थे। अब मुझे कैप्टन बनना है, अब मुझे घर के वो राइट्स अथॉरिटीज चाहिए, बट तुमने जो मेरे साथ किया वो अच्छा नहीं था। तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैं कैप्टन बनती तो तुम्हारी जो फ्रेंड आई है, सो कॉल्ड जो तुम्हारी फ्रेंड आई है, क्या मैं उन्हें घर से बाहर करती? इतना तुम्हें डर है? अब आयशा का नाम सुनते ही मुनावर भड़क जाते हैं और उनके मुंह पे कहते हैं, अब हमारी दोस्ती नहीं हो सकती, हमारी दोस्ती यहीं पर खत्म होती है। जी हाँ दोस्तों, अब मनारा इतनी सारी बातें सुनते हुए कहा, तुम्हारी लाइफ की यही प्रॉब्लम है, तुम अपनी कहानी अधूरी छोड़ देते हो। जी हाँ दोस्तों, जब मुनावर ने सुना कि मनारा ने ऐसा कहा उनके सामने, मनारा ने कहा तुम अपनी कहानी अधूरी छोड़ देते हो, जिस पे मुनावर का रिप्लाई था कि अब मैं ये कहानी पूरा करता हूँ कि इस घर में तुम्हारी और मेरी दोस्ती नहीं हो सकती और ना ही हम आगे फ्रेंड बन सकते हैं, अब ये कहानी मैं पूरा करता हूँ। जिसकी वजह से अब ये दिखाई देता है कि अब मनारा और मुनावर एक साथ नजर नहीं आ सकते दोस्त की तरह, अब जब भी नजर आएंगे एक दूसरे के दुश्मन ही नजर आएंगे। आपको क्या कहना है इन सारे टॉपिक पे, क्या लगता है आयशा कहीं ना कहीं इसकी कारण इसकी वजह है? मुनावर के फाइट या दूरियों के बीच में जो इतनी बड़ी दरारें आई हैं, इसके बीच का कारण आयशा खान है? ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे ही बिग बॉस रिलेटेड अपडेट जानने के लिए देखते रहिए बॉलीवुड हेल्पलाइन।